मंदी जैसे जो हालात जो बनेंगे उसका असर और ज्यादा कच्चे तेल पर पड़ सकता है। आप ओवरऑल माहौल को कैसे रीड कर रहे हैं और कच्चे तेल की चाल कैसे देख रहे हैं आप आने वाले समय के लिए? देखिए, लास्ट वीक में करीबन 3% से ज्यादा के गेन्स हमने क्रूड में आते हुए देखे थे। साथ में हमने देखा कि ओपेक की तरफ से जो आउटलुक है, डिमांड आउटलुक नेक्स्ट ईयर का, वो एक ऑप्टिमिस्टिक दिखाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि क्रूड में एक रिकवरी का ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हम देखें तो अभी $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स में अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि डिमांड आउटलुक के चलते भावों में एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि प्राइसेस $82 से लेकर $84 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना है एक पॉजिटिव साइड में है और जिस तरीके से एक टेक्निकल रिकवरी हमने देखी है, हमें लगता है कि ये कुछ और सस्टेन हो सकती है। क्योंकि आगे आप देखेंगे जो फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस और न्यू ईयर, और अगर हम जनरली देखें तो क्रिसमस और न्यू ईयर में क्रूड की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है ड्राइविंग सीजन के चलते। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में आपको एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा, डिमांड आउटलुक यहाँ पे बदल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी एमसीएक्स में, हमें लगता है करीबन 6150 के आसपास खरीदारी करें, 6000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6350 तक हो सकता है। हमें लगता है कि क्रूड में आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो करीबन 6500 का जो कॉल ऑप्शन है, जो कि करीबन 200 रुपए के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 280-300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 140 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगर फ्यूचर्स की बात करें तो 6150 में खरीदारी करें, और अगर ऑप्शंस की बात करें तो 6500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं।